एमजी रोड पे घूमते हुए जो ना अभी मुझे एक भाई मिले हैं। ये क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम प्रसन्नजीत नाग है। साहब यहाँ से क्या प्यारा व्यू नजर आ रहा है। तू मेरी हीर मैं तेरा राजा, चाहो तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोते। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे। आज मेरी जो जर्नी का दूसरा दिन है, आज की जो जर्नी होने वाली है ये होने वाली है दार्जिलिंग से गंगटोक के लिए। सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर के 3 बजे तक दार्जिलिंग के लिए शेयर टैक्सी वगैरह चलती है जिनकी पर कॉस्ट 400 रुपये है। फिलहाल ये मेरा होटल है, ये मैं इसमें रुका हूँ। अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह सब चल रही है। मैं पूरे भारत की यात्रा करने के लिए घर से निकला हुआ हूँ और ये मैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने में पूरा कवर करने वाला हूँ। ये दार्जिलिंग का बस स्टैंड है, सुबह का यहाँ का नज़ारा है ऐसा कुछ। अभी गंगटोक के लिए जो है ना, गंगटोक जाने के लिए वहाँ पर जितनी भी टैक्सी वगैरह कि दार्जिलिंग की अंदर से गलियां हैं, शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं। तो यहाँ भाई साहब घर मकान इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं, बहुत अच्छे। पूरी मार्केट है ये, दार्जिलिंग के अंदर ही है ये, अंदर के साइड में काफी। मारवाड़ी सहायक समिति, यहाँ डॉर्मेटरी रूम वगैरह भी मिल जाते हैं सस्ते में। अभी मैंने फोन पे बात की थी तो उसने 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से बताया था डॉर्मेटरी के लिए। सुबह सुबह नाश्ते में एक कप चाय, बढ़िया मोमो अच्छा है। ये मैम की शॉप है रोड के बिल्कुल पास में ही शॉप है वैसे तो। और मोमोज भी जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी है और हमारे यहाँ से सस्ते हैं, उधर महंगा है। हाँ मोमोज महंगे हैं। दार्जिलिंग के अंदर जो है बोटैनिकल गार्डन है, ये यहाँ से इसकी एंट्री होती है, इसका 20 रुपये प्राइस है। से ये केव रोड है और केव रोड मैम, केव रोड यही है ना, मतलब गार्डन घूमने के लिए। गार्डन के अंदर जो है ना नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, बहुत है यार। इसके जंगल में आ गए, चारों तरफ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये इस गार्डन का पूरा मैप है, अभी जो हम हैं यहाँ पर है। कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे, पता नहीं किस चीज़ के फूल हैं ये। अरे ये तो बड़े कांटे कांटेदार से लग रहे हैं। आगे जाके जो है ना वो ग्लास हाउस है। यहाँ से क्या प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और ये पहाड़। उस साइड जो है ना बहुत प्यारे प्यारे घर मकान बने हुए थे। यहाँ सुबह सुबह जो है ना सब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं लोकल में, लोकल होंगी। अंदर एंट्री वगैरह अभी ओपन नहीं है। हर यहाँ हर किसी पेड़ पे जो है ना नाम लिखा हुआ है। पार्क के अंदर जो है ना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस नेचर ब्यूटी से भरा हुआ पार्क है ये। बाकी और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह देखने के लिए नहीं है। कुछ बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और देखना पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। बाहर निकलते हैं इस पार्क से, ज्यादा कुछ खास नहीं है। रास्ते में जो है छोटा सा ब्रेक लिया है 10-15 मिनट का। ये जगह का नाम है लापचू। फिलहाल और कुछ नज़ारे यहाँ के ऐसे। ये दुकान कितनी प्यारी लग रही है भाई, दुकान तो बहुत प्यारी है आपकी, दुकान बहुत। पूरा वुडन का है ऊपर भी, बर्फ पड़ती है कभी कभी दिसंबर में पड़ता है। कितना ज़्यादा पड़ता है? जैसे अपने यहाँ मैगी का पैकेट आता है ना, वैसे यहाँ पे वाई वाई आता है। आप ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, यहाँ मटेरियल ये सब लोकल में नहीं चल रहा है। ये आपका बनाना चिप्स हो गया है, पोटैटो चिप्स है, फाले बोले फाले बटारे बटारे। ये थाईलैंड वाला दिखाना कहाँ है? लेकिन इस पे तो अरबी है। एक मिनट रुको, ये नोंगखाम बैंकॉक थाईलैंड, हाँ वहीं की मैन्युफैक्चरिंग वो लिखी हुई है। ये आपका जंगल का है, ये क्या मतलब इसे बोलते क्या है? कैलिंगपोंग जो फेमस है ना राफ्टिंग कैंपिंग और जितनी भी आउटडोर मतलब एक्टिविटीज होती हैं सभी के लिए फेमस है ये। वेलकम टू सिक्किम। एमजी रोड पे घूमते हुए जो ना अभी मुझे एक भाई मिले हैं। ये क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम प्रसन्नजीत नाग है। कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सिलचर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिलचर सिलचर मेघालय, मेघालय से थोड़ा आगे नीचे में। अच्छा मेरा प्लान है वहाँ जाने का। ओके ओके यू वेलकम वेलकम भाई। एमजी रोड का जो नज़ारा है ना वाकई में बहुत सुपर है। अगर आप पहली बार अगर आप सिक्किम आओगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ आके विजिट कर ही लोगे। बाकी यहाँ के कुछ नज़ारा फिलहाल ऐसे है।
ये जो तीन भाई है ना, ये तीन मेरे साथ रूम में ही रुके हुए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में, साथ में अंकल आंटी भी हैं। चलो हाँ, मैं YouTube पे कंटेंट बना के डालता रहता हूँ। मैं प्रॉपर मैं गाजी बसता हूँ, ये मुझे बजट में घूमने अपने। ओके ओके, कोई बात नहीं। मेरे को तो मेरे को चाहिए कि यहाँ मुझे गाइड वाइड करना अच्छे से। हाँ, आपको जितना सस्ता में मिलेगा ना, सस्ते में अच्छा। ये देखिए भाई सब पांडा बने हुए हैं। गैंगटॉक की सड़क पे शाम के 8 बज चुके हैं और कितना बड़ा पांडा ही है नहीं पांडा। फोटो सेशन और ब्लॉगिंग अब यहाँ के मतलब काफ़ी हो चुकी है, और अभी जो है ना पास के किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह हम खाएंगे। लो उन्हीं का ही फ़ोन आ गया। हेलो भाई, जहाँ ये पांडा है ना, यहाँ पुलिस वालों की वैन भी खड़ी हुई है, यहाँ पर हैं हम। ये भाड़ वाली भोजनालय है, और यहाँ जो थाली है ना, मैं 170 रुपये की ये थाली मिली है। सब चीज़ें इसमें, दही भी है, दाल भी है, सब्जी कड़ी। जैसा कल खाया था ना हमने दार्जिलिंग के अंदर, 140 रुपये की थाली, वहाँ पर थाली 170 रुपये की है, पेट भर के की थाली।